हेलो दोस्तों, मैं शमीम आपका कुछ जानो और कुछ भी सीखो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ऑटोकैड एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसमें हम बहुत तरह के एनिमेशन और घर के हर तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं, इसकी प्लानिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। लेकिन सबसे पहले आज हम आपको सिखाएंगे ऑटोकैड इंस्टॉल करना और उसको पूरी तरह से कैसे इंस्टॉल करना स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आप ऑटोकैड को दो तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो आप अपने हार्ड डिस्क में जो सेटअप रखा है उससे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अपने सीडी ड्राइवर से उसको लगा कर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने बैकअप रखा हुआ है अपने हार्ड डिस्क में, मैं वहाँ से इंस्टॉल करूँगा। तो मैं पहले जाऊँगा माय कंप्यूटर पे, और माय कंप्यूटर के मैंने डी ड्राइव में रखा हुआ है। डी ड्राइव से जाऊँगा सॉफ्टवेयर ऑटोकैड 2009 के फोल्डर को क्लिक करूँगा। इस फोल्डर में आपको कई तरह के आइकन्स मिलेंगे, क्रैक फाइल, क्रॉस 86, एडिट फ्री और सेटअप। सेटअप फाइल पे आप दो बार क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पे एक यस करके ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये सिस्टम में आपके चेक करेगा कि ये आपकी सिस्टम इसके लिए कैपेबल है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, आपका सिस्टम कम से कम 100 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए और 2 GB रैम होना चाहिए। हार्ड डिस्क की क्षमता कम से कम 200 GB हो, इससे कम GB पे ये सपोर्ट नहीं करेगा। आप देखिए ऑटोकैड का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने स्क्रीन पे है। एक है रीड टू डॉक्यूमेंशनल इंस्टॉल प्रोडक्ट क्रिएटिव डेवलपमेंट और इंस्टॉल टूल्स एंड यूनिट्स। आप इंस्टॉल प्रोडक्ट पे क्लिक करें। क्लिक करते ही एक ऑप्शन आएगा कि ऑटोकैड में कौन सा आपको सिलेक्शन करना, ऑटोकैड 2009 या ऑटोडेस्क चेक डिज़ाइन रिव्यू 2009। आपको ऑटोकैड 2009 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑटोकैड इंस्टॉलिंग का सॉफ्टवेयर रन कर जाएगा। रन करते ही आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूछेगा। ये पूछ रहा है कि क्या आप इसके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको एक्सेप्ट बटन दबाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही आपको वो सीरियल नंबर पूछेगा। सीरियल नंबर आप उसमें सीरियल नंबर डाल सकते हैं। आप 66 इसमें 666666666 सीरियल नंबर डाल दीजिए। और इसमें फिर आपका ऑर्गेनाइजर पूछेगा जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। डालने के बाद आप नेक्स्ट बटन क्लिक करें। ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, आप इसको कंफर्म करें और इंस्टॉल करने का आदेश दें। फिर ये आपसे पूछेगा एक बार कंफर्मेशन और आप यस करते ही ये सब सेटअप चल जाएगा। क्योंकि ये सब सेटअप थोड़ा सा ग्राफिक की नज़रिए से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि आपका सिस्टम कम से कम डुअल कोर और 2 GB रैम और हार्ड डिस्क कम से कम 250 GB की होनी चाहिए, तभी ये सब सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा और इजली वर्क करेगा, इजली रन करेगा। अब ये धीरे धीरे इसके जितने भी फाइल हैं ये अपना इंस्टॉल करता जाएगा और पार्ट बाय पार्ट जिस जगह पे हैं उसके हिसाब से वो अपने यहाँ रखता चला जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा।
क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इस समझ में आएगा AutoCAD इंस्टॉल करना है। ये अलग तरह का सॉफ्टवेयर है और अलग तरह से इंस्टॉल होता है, इसका इंस्टॉलेशन अलग है। अगर आप एक भी चीज़ मिस करते हैं तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये कंप्यूटर पे धीरे धीरे अपलोड हो रहा है आपके पीसी पे। कुछ जानों को सीखों में मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझसे आप जो भी किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे वर्क किया जाता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि AutoCAD पे वर्क कैसे करते हैं और इसको अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। और AutoCAD बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इस पर बहुत काम होते हैं। इसमें सऊदी अरेबिया, दुबई और भी कंट्रीज़ में इसमें बहुत ज़्यादा वर्क होते हैं। हमारे इंडिया में भी इस पर वर्क हो रहा है। यहाँ किसी भी डिज़ाइन को बनाना, किसी भी आर्किटेक्चर को बनाना, उसके लिए हम AutoCAD का ही प्रयोग करते हैं। AutoCAD के बहुत से फ़ायदे भी हैं। AutoCAD जब पे आप सब वर्क करते हैं तो जो लागत करोड़ों अरबों के लग के जो मकान के एनिमेशन बनने के बाद आप देखेंगे, वो AutoCAD सॉफ्टवेयर के अंदर आप पहले ही देख सकते हैं, जिससे आपके लाखों करोड़ रुपए बचते हैं। और सिर्फ थोड़े से डिज़ाइन से आपको ये पता चल जाता है कि हम इस घर को अगर बनाते हैं तो वो उसकी लुक कैसा आता है, वो कैसा दिखता है, उसको हम हर तरह से इमेज को पहचान सकते हैं, हर एंगल से उसको देख सकते हैं। उसके एरिया कितना आएगा, उसमें कितनी कंक्रीट लगेंगी, कितनी ईंट बालू लगेंगे, सब कैलकुलेट करता है ये सॉफ्टवेयर। ये बहुत ही बढ़िया AutoCAD सॉफ्टवेयर है। और पहले हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको AutoCAD इंस्टॉल करना सिखाते हैं, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे सीखेंगे। पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखिए, फिर सॉफ्टवेयर पर वर्क करना भी मैं सिखाऊंगा। ये देखिए आपका AutoCAD करीब करीब कंप्लीट होने वाला है। कुछ फाइलें इसकी रह गई हैं, वो कॉपी होने के लिए, वो कॉपी हो रहा है। इसको पूरा ध्यान से देखिएगा और एक भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो आप AutoCAD इंस्टॉल नहीं कर सकते और ना ही ये कोई जल्दी बताता है। मैं YouTube पे आपको ये फ्री जानकारी दे रहा हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए और सीखिए। मेरा मकसद है कि मेरी कुछ जो भी नॉलेज है मैं आप लोगों तक वो पहुंचा सकूं। एक माध्यम YouTube का है, वो बहुत अच्छा माध्यम है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। YouTube का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि उसने ऐसा एक मंच बनाया है जिस पे मैं और हम जैसे लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और मैं वीडियो बनाता रहूँगा और यूट्यूब पे पेस्ट पब्लिश करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, क्योंकि मुझे ये जानकारियाँ हासिल करने में बहुत वक्त लगा। इस वीडियो मैं अपनी वीडियो को इतना इजी वे में बनाना चाहता हूँ कि हर इंसान उससे सब कुछ सीख सके। अब आप देख रहे होंगे कि ये धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है किसी भी रुकावट के अनुसार। आइए इंस्टॉल होने के बाद अगर आप इसे क्रैक कर देते हैं तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। जब तक आप इसको अनइंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक ये आपके पीसी में बना रहेगा, लेकिन अगर आप इसे क्रैक नहीं करते हैं तो ये एक महीने तक आपके सिस्टम पे वैलिड रहेगा। AutoCAD के बारे में बहुत कुछ है जानने को, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। तो देखिएगा ज़रूर पूरा वीडियो, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। ये सेटअप आपका चल चुका है करीब करीब। ये देखिए फिनिश बटन आपके सामने आ गया है, AutoCAD का सॉफ्टवेयर करीब करीब कंप्लीट हो गया। हम फिनिश बटन दबाएंगे, ये यूज़र गाइड खुली है, इसको क्लोज़ करेंगे, सेटअप को क्लोज़ करेंगे
और ये देखिए आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे ऑटो कैड का शॉर्टकट बन गया है। आप इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर रन कर जाएगा और आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा। सॉफ्टवेयर पहली बार खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे ये होता जाएगा वैसे वैसे ये खुलता जाएगा। ये ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पे खुल चुका है और ये आप जान चुके हैं। अब आपको आपको बधाई हो, आप जान चुके हैं कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है। ऑटोकैड स्क्रीन पे आपके खुल चुका है, आप इस पे आप वर्क भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इसके बारे में मैं सिखाऊंगा इस पे कैसे वर्क किया जाता है। तो आपको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीख लिया है पूरी तरह से। आप जब भी चाहें यहाँ डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करके अपने सॉफ्टवेयर में इन कर सकते हैं और इस पर जो चाहें वो एनिमेशन बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। मैं शमीम कुछ भी जानो कुछ भी सीखो में आपका स्वागत करता हूँ और आपको ये जानकारी मैंने दी और ये जानकारी अगली जानकारी मैं देता रहूँगा अगले वीडियो में। आपको ऑटोकैड पे कैसे वर्क करना है, कैसे काम करना है और क्या क्या काम कर सकते हैं, सब बारे में सब बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय एंड थैंक फॉर वॉचिंग समी।